नमस्कार, खेलों में खास में आप सभी का स्वागत। मैं हूं संजय बैनर्जी। शुरुआत सुर्खियों के साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया का कल से एडिलेड टेस्ट में मुकाबला। कैमरून ग्रीन के डेब्यू की संभावना। पीठ दर्द से स्टीव स्मिथ ने ट्रेनिंग छोड़ी। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और आईएसएल में हैदराबाद से हारा ईस्ट बंगाल। एडिलेड टेस्ट शुरू होने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं और दोनों टीमें सीरीज के पहले मैच को जीतने में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। भारत के बाहर टीम इंडिया पहली बार डे नाइट टेस्ट खेल रही है। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने अब तक जितने भी पिंक बॉल टेस्ट खेले हैं सब में उसे जीत मिली है। इस बीच ऐसा लगता है कि ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन कल से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में डेब्यू कर सकते हैं। कैमरून को भारत ए के खिलाफ दूसरे प्रैक्टिस के दौरान गेंदबाजी करते समय जसप्रीत बुमराह के स्ट्रेट ड्राइव से सिर पर गेंद लगी थी। लेंगर ने कहा कि वो टैलेंटेड प्लेयर हैं और अगर फिट रहते हैं तो टेस्ट डेब्यू जरूर करेंगे। कैमरून ने इंडिया ए के खिलाफ पहले प्रैक्टिस मैच में नाबाद 125 रन बनाए थे। कल से शुरू होने वाले टेस्ट पर बातचीत के लिए इस समय हमारे साथ हैं फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा। अशोक जी, लेंगर ने कहा है कि कैमरून ग्रीन कल डेब्यू कर सकते हैं, काफी इंप्रेस्ड हैं वो कैमरून ग्रीन की बल्लेबाजी से अब तक। देखिए, कैमरून ग्रीन ने शेफील्ड शील्ड में कमाल का प्रदर्शन किया है। पिछली बार भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, 22 वर्षीय खिलाड़ी हैं और उनसे अपेक्षा होता है। इंडिया ए के विरुद्ध भी उन्होंने पहले मैच में शतक लगाया है, जो चाहता है वो कितने कमाल के खिलाड़ी हैं, जबकि बाकी सारे बल्लेबाज पकड़ गए थे। उसके बावजूद उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया और रेटेड वेरी हाईली, मतलब उनको ऑस्ट्रेलिया में बहुत जबरदस्त रेटिंग है और उनको ऑस्ट्रेलिया का भविष्य कहा जा सकता है। तो उनके लिए बेहतरीन मौका, जो हालांकि वो ऑलराउंडर है लेकिन शायद पीच के चलते इतनी गेंदबाजी आजकल नहीं कर रहे और ऑलराउंडर होने के बाद भी उन्होंने बल्लेबाजी से इतना प्रभावित किया है कि ऑस्ट्रेलिया टीम में अपनी जगह बनाई है। तो निश्चित रूप से भविष्य का सितारा कैमरून ग्रीन। चीफ कोच लेंगर ने यह भी क्लियर कर दिया कि भले ही जो बर्न्स फॉर्म में हो या नहीं, लेकिन मार्नस लेबुशेन नंबर 3 पर ही बल्लेबाजी करेंगे। लेंगर ने कहा कि मार्नस नंबर 3 पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहीं स्टीव स्मिथ भी नंबर 4 पर बखूबी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेंगर ने कहा कि हमें ओपनिंग को लेकर टफ डिसीजन लेना होगा। हम इंतजार कर रहे हैं कि कैमरून को लेकर क्या होगा। हमारे पास 6 बल्लेबाज हैं, उनमें से हमें चुनना है। अभी फैसला नहीं लिया गया है। अशोक जी, लेंगर टफ डिसीजन की बात कर रहे हैं ओपनिंग के मामले में, क्या हो सकता है वो डिसीजन? देखिए, ओपनिंग को लेकर अगर टफ डिसीजन की जब वो बात कर रहे हैं तो हो सकता है आपको मैथ्यू वेड ओपन करते हुए देखें, क्योंकि जो बर्न्स ये नहीं कि इस मैच में फेल हुए हैं, लगातार एक साल से फेल हो रहा है। शेफील्ड शील्ड में उनकी औसत 6 के बराबर है, तो अपने आप दर्शाता है कि वो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहा है। तो अगर उनके विकल्प के रूप में अगर किसी को खोज सकते हैं तो मैथ्यू वेड हैं, जो 1/6 में बेहतर प्रदर्शन किया है। शेफील्ड शील्ड में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है। निश्चित रूप से मार्क हैरिस और मैथ्यू वेड ओपन कर सकते हैं। और जहां तक लेबुशेन का सवाल, वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो मजबूती प्रदान करता है। जितनी महत्वता स्टीव स्मिथ की है उतनी ही महत्वता लेबुशेन की अब है, क्योंकि 60 से ज्यादा के औसत से रन बना रहे हैं। जब से उन्होंने वो कंकशन से सब्स्टिट्यूट कंकशन से इंग्लैंड के विरुद्ध आए हैं और लगातार प्रभावित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको बलि का बकरा नहीं बना सकते थे। अटकले जरूर लगाई जा रही थी लेकिन मेरे को अंदाजा था कि कोई भी कोच अपने सबसे बेहतरीन बल्लेबाज को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहेगा। इस बीच खबर यह भी है कि स्टीव स्मिथ पीठ में दर्द के कारण ट्रेनिंग सेशन को बीच में छोड़कर ही वापस आ गए। सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक स्मिथ ने इस अहम प्रैक्टिस सेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। उन्होंने केवल 10 मिनट तक नेट्स पर प्रैक्टिस की और फिर पीठ में दर्द के कारण ट्रेनिंग सेशन को छोड़कर ड्रेसिंग रूम की ओर लौट गए।
ऑस्ट्रेलियन टीम के एक प्रवक्ता ने बताया कि स्मिथ के गले में खराश थी और उसके बावजूद वो प्रैक्टिस करने के लिए आए, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान पीठ दर्द की वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ा। 32 साल के स्मिथ ने नेट्स पर बल्लेबाजी का भी अभ्यास नहीं किया था। अशोक जी, स्मिथ को मामूली पीठ में दर्द की शिकायत आई है और अभी ये कहना मुश्किल है कि वो टेस्ट मैच में शामिल होंगे या नहीं, लेकिन अगर कोई चांस बना और वो नहीं शामिल हुए तो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो ये बड़ा झटका होने वाला है। जब तक अगर स्टीव स्मिथ चोटिल हो जाते हैं, डेविड वार्नर चोटिल है, तो फिर ऑस्ट्रेलियन टीम की अवस्था लगभग वैसी है जो पिछले दौरे पर थी। तो एक बार फिर अगर ये दोनों स्तंभ है, अगर पहला स्तंभ तो ऑलरेडी गिरा हुआ, अगर दूसरा भी गिर जाता है तो फिर छत गिरने की पूरी संभावना। ये अगर मैं कहूं कि सुखद खबर जहां तक भारतीय टीम का सवाल, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी दुखद खबर, क्योंकि उनके खिलाड़ी एक के बाद एक चोटिल होते जा रहे हैं, और अगर स्टीव स्मिथ चोटिल हो जाते हैं तो ये शायद बहुत बड़ा झटका है जहां से हो सकता है ऑस्ट्रेलिया की उभर ना पाए। जहां तक भारतीय कैंप का सवाल है, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली सिर्फ पहला टेस्ट मैच खेलेंगे, बाकी 3 मैचेस में अजिंक्य रहाणे कप्तानी संभालेंगे। ऐसे में पहले टेस्ट के बाद भारतीय टीम के लिए चेतेश्वर पुजारा, रहाणे, मयंक अग्रवाल, लोकेश राहुल और पृथ्वी शॉ महत्वपूर्ण प्लेयर होंगे। पुजारा 2018 में मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टॉप स्कोरर थे। उन्होंने 500 से ज्यादा रन बनाए और 3 शतक लगाने वाले वो इकलौते प्लेयर भी थे। उनके अलावा टॉप 3 में ऋषभ पंत और विराट कोहली भी शामिल थे। जहां तक भारतीय बल्लेबाजी का सवाल है, चेतेश्वर पुजारा पिछली सीरीज में सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए थे, 3 सेंचुरीज लगाई थी, और इसके अलावा मुझे लगता है लोकेश राहुल, मयंक अग्रवाल और रहाणे, इन पर दारोमदार होगा क्योंकि कोहली से फेक टेस्ट मैच खेलने वाले हैं। क्या बिल्कुल, देखिए मयंक अग्रवाल निश्चित रूप से बेहतरीन बल्लेबाज है, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बहुत प्रभावित किया, पर मेरा अभी भी ये मानना है केएल राहुल से अगर आप प्रारंभिक बल्लेबाजी कराते हैं बेहतर होगा, और केएल राहुल शायद श्रृंखला के हीरो भी हो सकते हैं, और 3 नंबर पर आप शुभमन गिल को खिला सकते हैं, 4 पर आप विराट को खिलाइए, 5 पर माफ कीजिए शुभमन गिल को 6 पे खिलाइए, 3 पर चेतेश्वर पुजारा, 4 पर विराट, 5 पर अजिंक्य, 6 पर शुभमन गिल, और फिर आप जिस तरह भी बल्लेबाजी सेट करना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि केएल राहुल से अगर शुरुआत कराते हैं, क्योंकि वो आक्रामक खिलाड़ी हैं, विस्फोटक अंदाज से खेलते हैं और काउंटर अटैक करने की क्षमता, और फिर माइंक और केएल राहुल की जोड़ी एक दूसरे को समझती है और एक दूसरे से उनको ज्यादा एनर्जी भी मिलती है। इस बीच चोटिल रोहित शर्मा फिट होकर टीम में लौटे हैं। 14 दिन क्वारंटीन पीरियड के कारण रोहित पहला टेस्ट मैच नहीं खेल सकेंगे, उनका दूसरा टेस्ट में भी खेलना मुमकिन नहीं लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा रन के मामले में टॉप 5 भारतीयों में मौजूदा टीम से अकेले पुजारा शामिल हैं। अशोक जी, 14 दिन के बाद मेडिकल टीम फिर असेस करेगी, यानी अभी भी तय नहीं है कि रोहित शर्मा तीसरा और चौथा टेस्ट मैच खेलेंगे भी या नहीं। देखिए रोहित का मसला ऐसा पेचीदा हो गया है कि किसी को समझ नहीं आ रहा है कि किसकी गलती और किसकी गलती नहीं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा किसको दोष दें या किसको दोष ना दें, क्योंकि अगर वो टीम के साथ आते तो फिर उनको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ता, फिर वो आसानी से पहला टेस्ट मैच खेल सकते थे, और अभी भी जैसे बोल रहे हैं कि 2 टेस्ट मैच के बाद एक बार फिर उनका टेस्ट लिया जाएगा और फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा, फिर उनको मौका दिया जाएगा। मैं इस बात से हैरान हूं कि आपका अव्वल नंबर का खिलाड़ी है, आपका कप्तान खेल नहीं रहा पहले टेस्ट के बाद, और अभी भी आप इतनी उलझनों में उलझे हुए हैं कि आपको अभी तक समझ नहीं आ रही कि आपका जो बेहतरीन खिलाड़ी आप उसको क्यों नहीं खिला पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी बातें हैं संजय जी जो शायद गले से नहीं उतरती, और इसमें जैसे आपने कहा कम्युनिकेशन गैप है और ट्रांसफरेंसिंग का अभाव है। 2018 सीरीज के टॉप विकेट टेकर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के कंधों पर इस बार गेंदबाजी का दारोमदार होगा। रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और उमेश यादव को भी पिछले दौरे का एक्सपीरियंस काम आएगा। पिछली सीरीज में बुमराह ने 21 और शमी ने 16 विकेट लेकर टीम को जीत दिलाई थी। इस बार नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं, लेकिन शायद उन्हें मौका ना मिल सके। अशोक जी, बुमराह और मोहम्मद शमी के अलावा कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जिन पर सबकी निगाहें रहेंगी?
देखिए मेरे को ऐसा लगता है ये दोनों तो निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हो सकता है उसके बाद आपको नवदीप सैनी या उमेश यादव, क्योंकि उमेश यादव के पास गति है, हालांकि उन्होंने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उनके पास गति है, अच्छी आउटस्विंग करने की क्षमता है, और फिर टेस्ट क्रिकेट में उनका प्रदर्शन काफी बेहतर, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उमेश यादव तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में उभर कर आएंगे, या फिर अश्विन, क्योंकि जडेजा चोटिल है तो उसके बाद फिर अश्विन को छोड़कर और कोई स्पिनर बनता नहीं, कुलदीप यादव अश्विन को कम से कम रिप्लेस नहीं कर सकते, और फिर अश्विन की सीधी होड़ होगी नेथन लियोन के साथ। तो ये थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी क्रिकेट की खबरें। अशोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की बात करें। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में एक पायदान ऊपर चले गए हैं। कोहली के अलावा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी एक स्थान का फायदा हुआ है। कोहली ने टेस्ट बल्लेबाजों की लिस्ट में न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन को हटाते हुए सेकंड पोजीशन हासिल की। अजिंक्य रहाणे की टॉप 10 में एंट्री हो गई है। चेतेश्वर पुजारा 7वीं पोजीशन पर कायम हैं। टेस्ट बल्लेबाजों की सूची में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ टॉप पर हैं। बॉलर्स की लिस्ट में बुमराह 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की टॉप 10 में एंट्री हो गई है। टेस्ट टीम रैंकिंग में भारत थर्ड प्लेस पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड पहले दो स्थानों पर काबिज हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने 2022 वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। इस वर्ल्ड कप में 8 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। न्यूजीलैंड में होने वाले वर्ल्ड कप में 31 दिन में 31 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच 4 मार्च को मेजबान टीम और क्वालिफायर के बीच होगा, वहीं फाइनल 3 अप्रैल को खेला जाएगा। वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड 5 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगे, जबकि अगले दिन टीम इंडिया का मुकाबला क्वालिफायर के साथ होगा। इससे पहले ये वर्ल्ड कप 2021 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे 2022 तक स्थगित कर दिया गया। 2022 में विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के अलावा इंग्लैंड में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भी विमेंस क्रिकेट को इंक्लूड किया गया है। आईएसएल में कल खेले गए मैच में हैदराबाद एफसी ने ईस्ट बंगाल को कड़े मुकाबले में 3-2 से हरा दिया। इस मैच में लीड ईस्ट बंगाल ने 26वें मिनट में बघोमा के बनाए गोल से ली और हाफ टाइम तक उसकी ये बढ़त कायम भी रही, लेकिन हाफ टाइम के बाद 56 से लेकर 68 मिनट यानी सिर्फ 12 मिनट के दौरान हैदराबाद ने गोल की छड़ी लगा दी और 3 गोल किए। एरिडन सेंटाना ने 2 और नरजारी ने 1 गोल किया। ईस्ट बंगाल के लिए मघोमा ने 88वें मिनट में दूसरा गोल कर फासले को कम जरूर किया, लेकिन लीग का पहला मैच जीतने से ईस्ट बंगाल फिर दूर रह गया। अभिषेक झा की रिपोर्ट। इंडियन सुपर लीग में कल रात को हैदराबाद बनाम ईस्ट बंगाल के बीच में मुकाबला खेला गया और इस मैच में हैदराबाद की टीम ने 3-2 से ईस्ट बंगाल की टीम को हरा दिया और 5 मैचेस में ये ईस्ट बंगाल की टीम की चौथी हार है। लेकिन उनके लिए जो एक बात पॉजिटिव रही वो ये रही कि 5 मैचेस के बाद पहला गोल ईस्ट बंगाल की तरफ से देखने को मिला हीरो आईएसएल में, और क्या शानदार गोल किया था वो घामे में। लेकिन बात की जाए इस मुकाबले की तो 26वें मिनट में ईस्ट बंगाल की टीम ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन सेकेंड हाफ में, उससे पहले फर्स्ट हाफ में जब पेनल्टी दिया गया हैदराबाद की टीम को, उसे वो कन्वर्ट नहीं कर पाए थैंक्स टू द गोलकीपर ऑफ ईस्ट बंगाल, जिन्होंने कि उन्हें सेव बहुत बढ़िया तरीके से किया। लेकिन सेकेंड हाफ के 55 से 56 मिनट के बीच में जो 1-0 से ट्रेल कर रही थी हैदराबाद की टीम, वो 2-1 से बढ़त बनाने में कामयाब होगी और अरिदाने ने 56वें मिनट में पहला गोल किया और फिर कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने एक और गोल करते हुए 2-1 का स्कोर लाइन कर दिया और उसके बाद नर्जरी ने 68वें मिनट में 3-1 की बढ़त बढ़ा दी थी हैदराबाद की टीम को। लेकिन फिर 81वें मिनट में मोघोमा ने एक बार फिर से हेडर लेते हुए ईस्ट बंगाल के लिए एक और गोल किया, 3-2 का स्कोर लाइन हो गया। लगा कि शायद ईस्ट बंगाल की टीम फाइट करेगी, लेकिन अंत में एक बार फिर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस समय हैदराबाद की टीम 5 मैचेस में से 2 जीत और 3 ड्रॉ के साथ 6 अंक, कुल मिलाकर 9 अंक हैं और 5वें पायदान पर है। वहीं ईस्ट बंगाल की टीम ने अब तक 5 मैचेस खेले हैं जिसमें से कोई जीत नहीं और अब तक उन्होंने इस आईएसएल में कुल मिलाकर 4 मैचेस हारे हैं, 1 ड्रॉ रहा है और पॉइंट्स टेबल में उनके 1 पॉइंट हैं और वो 11वें नंबर पर हैं। आईएसएल में आज एटीके मोहन बगान का मुकाबला एफसी गोवा के साथ होगा।
हेटी के मोहन बगान ने लीग में धमाकेदार शुरुआत की थी और लगातार 3 मैच जीते थे, लेकिन पिछले 2 में 1 में उसे हार मिली और 1 ड्रॉ पर खत्म हुआ। हेटी के मोहन बगान 5 मैचों से 10 पॉइंट्स लेकर 3rd पोजीशन पर हैं, जबकि एफसी गोवा 8 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर हैं। इस मुकाबले को लीग के 2 सबसे काबिल कोचों की रणनीतिक कुशलता के इम्तिहान के रूप में भी देखा जा रहा है। इस मुकाबले में गोवा के स्ट्राइकर इगोर एंगुलो पर अपनी टीम का दारोमदार होगा, तो वहीं रॉय कृष्णा काउंटर अटैक्स के जरिए अपनी टीम के लिए 3 पॉइंट्स हासिल करना चाहेंगे। तो आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportzindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportzindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।